क्रेडिट है आज का वो बाबा साहब को जाता है, जो हमारे महापुरुष हैं उनको जाता है। और जो भी महिलाएं बहनें देख रही हैं उन सभी को समझना चाहिए कि आज आप जो पढ़ पा रही हैं, आप इन सोच को देख लीजिए कि आज भी जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने को सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, धर्म के रखवाले कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उनकी सोच अभी भी उन्हीं किताबों में है जिनके कारण महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया, शूद्रों को हमेशा पीछे रखा गया, देश हमेशा गुलाम किया गया। वो सोच आज भी उनकी वही है। ये कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते हैं। इसीलिए हम सभी को बाबा साहब की किताब पढ़नी चाहिए और उस थॉट को अपनाना चाहिए, उस थॉट प्रोसेस को सोचना चाहिए जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, समस्त महिलाओं को आज़ादी मिली है। तो चलें इसके साथ ही सुनील कुमार यादव यहाँ लिख रहे हैं, जरूर बुलाएं एस चेसर कुमार विश्वास को, जय भीम। हाँ बिल्कुल, मेरे तरफ से पूरी तरह से ओपन इनविटेशन है कुमार विश्वास जी को, वो आएं, बिल्कुल आदर पूर्वक आएं और यहाँ पे बैठकर एक स्वस्थ चर्चा करें। हम लोग भी उनके बातों को जानेंगे और उनको भी मौका मिलेगा हम लोगों की बातें जानने का कि भाई हम लोगों की सोच क्या है, हम लोग किन तथ्यों पर और किन बातों पर बात कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो जो बहन है, जो उनकी बेटी है, वो नहीं बता पाई हो, पूरी बातें फादर से नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग खुलकर बातें करेंगे ना इन पॉइंट्स पे। तो इसीलिए बिल्कुल स्वागत है, ऐसे समस्त लोगों का स्वागत है जो आकर इस पर चर्चा करें। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, गपूर ग्रंथों को सच साबित करते हैं हम सच से आंखें बंद। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील कुमार यादव जी यहाँ पे लिखते हैं, सर इनका इनके हिसाब से बौद्ध धर्म इनके बाद आया, मूर्ख ज्ञानी। हाँ, वो बिना रेफरेंस के ना, बिना रेफरेंस के बोलने की जो आदत है, जो शैली आ गई है लोगों में, वो इसीलिए डिबेट में उनको इनविटेशन दिया जा रहा है कि वो शैली को हम लोगों को पकड़ना होगा, उस पर हमें चर्चा करनी होगी। जो लोग बिना एविडेंस के कोई भी बात बोल देते हैं और उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे यही सही हो। अच्छा, वल्कायरी जो हैं वो लिख रहे हैं, रावण की लंका में सीता तो अशोक वाटिका में रहती थी। हाँ, वल्कायरी जी ने बड़ा अच्छा यहाँ पे कहा है कि भाई सीता जो है अशोक वाटिका में कैसे रहती थी, इसका मतलब कि सम्राट अशोक पहले वहाँ पहुँच चुके थे और उनके ही बाल बच्चे के द्वारा बनाई गई जो वाटिका थी, जो अशोक वाटिका कहलाती थी वहाँ पे, उसमें कैसे सीता रहती थी, तो फिर रामायण उससे पुराना कैसे हो गया। जी वल्कायरी जी, ओके ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे शिवांत मेरावी जो हैं वो ये लिख रहे हैं, ये तो महाटुन्नी निकला एस चेसर, ये कवि है, कल्पना में ही जीना चाहता है, इनको हिस्ट्री नहीं पता। हाँ शिवनाथ मारवी जी, यही हुआ है दरअसल। भारत में जो बुद्ध के बारे में भी जो गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं वो ऐसे ही कवियों के द्वारा फैलाई गई हैं। अश्वघोष एक कवि है, जो आप देखें कि जो जिन चरित्र लिखता है वो भी एक कवि है, और ये 13वीं-14वीं सदी में जिन चरित्र जो किताब लिखता है वो देखें कि कितना ब्राह्मणीकरण कर देता है जिन चरित्र में बुद्ध का, कि बुद्ध जन्म लेते ही 7 कदम आगे चल रहे हैं, फिर उनके जन्म के बाद से तो साधु महात्मा आ जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने, भविष्यवाणी दे रहे हैं, तरह तरह की कपूर गाथा उसमें डालते चला जाता है। बुद्ध के समय से, और आप देखें कि 2000 साल बाद जो किताबें लिखी जा रही हैं उनमें उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये बुद्ध की बात है। तो ये कवियों ने ही बिगाड़ा बुद्ध की कहानी, और यही कवि लोग जो हैं अब उल्टा दोष क्या दे रहे हैं कि बौद्धों ने इनका बिगाड़ दिया, ठीक है ना। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग उल्टी कैसी बातें करते हैं, जबकि 1000 साल से इन्हीं लोगों का अस्तित्व है और यही लोग सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। नीरज सरोज यहाँ पे लिख रहे हैं, कुमार विश्वास और बहुत लोगों को इतिहास के बारे में कुछ खास पता नहीं है, जब इनको सच्चाई पता चलेगी तो मुंह छिपाने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक हूँ मैं और बढ़िया हूँ। बस मैं सुन रहा था और आपने बहुत कमाल कर दिया आज और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और कुमार विश्वास को मैं पहले से जानता हूँ और इनका मैंने इनकी कविताएं भी सुनी है, इनका प्रवचन भी सुना है। ये 100% ब्राह्मणवादी है और राम कथा की अनाप शनाप व्याख्या करता है, मैंने सुना है पूरा, क्योंकि मैंने भी राम कथा की विशेषज्ञता हासिल की है, तो मैं इनकी सारी बदमाशी जानता हूँ, क्या क्या बोलते हैं, मैंने सब टीवी पे सुना इनको। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता था कि उसमें से कुछ बातें, हाँ उनकी, हाँ हाँ कुछ बातें शेयर करें। जी जी, उनकी कुछ बातें शेयर करें। जी जी हाँ, नहीं वो जैसे क्या है कि हर
हर व्यक्ति राम कथा की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, राम के चरित्र को महिमा मंडित करते हैं, और जो वाल्मीकि और तुलसी ने लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल लिखा है, उसको तो उसको छुपाते हैं, और अगर कुछ बताते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये इनके खून में बदमाशी है। चलिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो रामचरितमानस घर घर में पढ़वाना चाहते हैं और तुलसी को महिमा मंडित करते हैं, जबकि पूरी राम तुलसी का जो रामचरितमानस है वो प्रारंभ से लेके अंत तक नारी को और शूद्र की पिटाई की बात करता है, उनको द्वयम दर्जे का नागरिक बनाता है, पग पग पर मतलब अपमानित करता है, और ब्राह्मण को महिमा मंडित करता है। ये क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए ये प्रोफेसर जो डेढ़ दो दो लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, भाई इनकी क्या बुद्धि भ्रष्ट है क्या? इनको ये समझ में नहीं आता, ये पीएचडी कर रहे हैं, इनको ये अकल नहीं है कि पूरी रामचरितमानस दलितों आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ है, नारियों के खिलाफ है, ये सामंतवादी दस्तावेज है, ये ब्राह्मणवादी दस्तावेज है, ये मानवता के लिए खिलाफ है, तो इसका खंडन मंडन करना चाहिए इनको। राम के प्रति श्रद्धा है वो अलग चीज है, रामायण के प्रति श्रद्धा है अलग चीज है, लेकिन तुलसीदास ने तो पूरा हिंदू समाज का बंटा ठार कर दिया, बहुत मतलब बदमाशी की है। चलिए मैं दो चार उदाहरण देने चाहूंगा आपके माध्यम से, मतलब चौपाई तुलसीदास निकलवाते हैं, वो कहते हैं कि राख नारी यद्यपि उर माही, राख नारी यद्यपि उर माही, युत शास्त्र नरपति बस नाही। वो कहते हैं कि स्त्री को चाहे दिल में बसा के क्यों ना रखा जाए, पर जवान औरत और राजा और शास्त्र ये किसी के बस में नहीं होते। इधर सीता माता का वियोग हुआ है और तुम रामचंद्र जी के मुंह से ऐसी गंदी और भाइया चौपाई कलवा रहे हो, और ये यूनिवर्सिटी में बैठे बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं और ये पीएचडी करके क्या इनकी आंख फूट गई? इनको नहीं दिखता कि सीता माता का चरित्र पर कलंकित कर रहे हैं, ये रामचंद्र जी की छवि खराब कर रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? क्या लिखा है, राख नारी यद्यपि उर माही, ज्योति सात नरपति बस नाही। अरण्य कांड 575 पृष्ठ पर लिखा है। अब देखिए आगे आगे और कितनी खतरनाक चौपाई है, सीता माता के चरित्र को हनन करने वाली चौपाई है। महाभ्रष्ट चली फूट की आरी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। किस्कंद कांड में 599 पृष्ठ जो मेरे पास मजला साइज गीता प्रेस गोरखपुर उसमें लिखा है कि भारी बरसात के होने से जिस प्रकार खेतों की क्यारियां फूट जाती है, उसी प्रकार स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती है, नारी बिगड़ जाती है। यानी रामचंद्र जी का जो कुटिया थी वहां पर लक्ष्मण भी नहीं थे और राम जी भी नहीं थे, तो सीता माता बिगड़ गई थी, चली गई थी। ये कहना चाहते हो तुम, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? हैं, तुम महाकवि हो और तुम महाकल्कि हो, इसलिए दिल्ली के 15-20 विद्वानों ने किताब निकाली है, हिंदू समाज के पद भ्रष्टक तुलसीदास, विश्व विजय प्रकाशन दिल्ली प्रेस से प्रकाशित है, हर भारतीय को पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ना चाहिए और तुलसी का भंडा फोड़ होना चाहिए। चलिए, तो दो 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 ये चौपाई मैंने बताई है, ये सीता माता को कलंकित कर रही है, ये राम के चरित्र को कलंकित कर रही है, और इन इन जो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े बदमाश है, मठाधीश है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इनको दिखता नहीं है, ये सूझता नहीं है इनको। चलिए मैं एक दो चौपाई और बताता हूं। जब भिल्ली से इनकी मुलाकात होती राम जी की, तब तुलसी क्या कहता है, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अगारी। स्त्रियां नीच से भी नीच होती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, स्त्रियां नीच से भी नीच होती है, और मैं भिल्ली होने की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मैं पापों की जन्मभूमि हूं। बताइए, आप ऐसी ऐसी बातें नारियों के बारे में लिखी है और ये कॉलेज में प्रोफेसर बनकर के लेक्चरर बनकर के औरतें बैठी हुई है, मुझे बहुत दुख होता है भारत की औरतों पर कि इनकी बुद्धि कब अकल आएगी इनको। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज एक वीडियो मैंने आपको पहुंचाया है, गुजरात में एक राजपूत समाज का व्यक्ति और उसकी औरत आपके वीडियो देख देख करके रेशनलिस्ट हो गए और बुद्धिस्ट हो गए, बहुत धर्म की शिक्षा ग्रहण की है, तो आपको आपका कार्य गाँव गाँव घर घर में जा रहा है। अच्छा जी, ओके ओके जी, शुक्रिया आपका। जी जी जी, एक 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 बात और आखिरी में कहना चाहता हूँ, आखिरी में कह के और खत्म करता हूँ। तुलसीदास ने स्त्रियों को इतना अपमानित किया है कि लास्ट में कहना चाहूंगा, रावण के मुंह से एक चौपाई आती है कि नारी सुभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा उर रही, साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। और भरत जी के मुंह से कहते हैं
कि विदहुन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खानी। विदाता भी नारी के हृदय की बात नहीं जानता, ये स्त्रियां जो होती है वो संपूर्ण रूप से कपट पाप और अवगुणों की खान है। वास्तव में ऐसी किताब को सारी स्त्रियों को जला देना चाहिए चौराहे पर, ना कि उसकी पूजा करना चाहिए, ना कि उसको पढ़ना चाहिए। रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा अलग चीज है, रामायण के प्रति श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन तुलसीदास ने नारी जाति का अपमान जो किया है वो तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। इससे ज्यादा नारी विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी और पिछड़ेवादी विरोधी तुलसीदास था। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपने मुझे लिया।